तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और वो यूनिट चल रहा है क्या, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और वो टॉपिक है हमारा क्या, एल्केन्स। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने एल्केन्स की प्रिपरेशन मेथड्स डिस्कस की थी। आज हम यहाँ पर अब आते हैं एल्केन्स के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एल्केन के भौतिक गुणधर्म क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों, C1 से लेके C4 तक के जो एल्केन्स हैं वो गैस होते हैं, जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जो CNG है वो मिथेन होती है, जो LPG है उसमें ब्यूटेन होता है, तो ये गैस है। C5 से C17 तक के रंगहीन द्रव होते हैं, इसी में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब इसी में आते हैं बच्चों। और जो C18 या इससे जो ऊपर हैं जितने भी एल्केन्स, वो सब ठोस हैं, मोम के समान ठोस, वैक्सी सॉलिड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर हम दूसरा पॉइंट आते हैं, घनत्व की बात करें तो इनका जो अधिकतम घनत्व है ये है 0.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि सभी एल्केन जल से हल्के होते हैं, और यही कारण है कि अगर आप पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन या मोम, जो है मोमबत्ती की जो मोम है, अगर उसको भी पानी में डालोगे तो वो ऊपर तैरती रहेगी। समझ गए ना, इस तरह से। तीसरा है, जल में अम्लीय है, टोटली अम्लीय है। आप पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, मोम है, पानी में डाल के देखो, कभी नहीं घुलेगा, क्योंकि ये प्योर शुद्ध सहसंयोजी यौगिक है, इनमें पोलर बॉन्ड्स नहीं होते। किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है, क्योंकि कार्बनिक विलायकों में ये अपनी आणविक अवस्था में बिखर जाते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक के सिद्धांत पर काम करते हैं। फिर आता है गलनांक। तो देखो, गलनांक अणुभार बढ़ने से बढ़ता है, मतलब मिथेन से ज्यादा इथेन, इथेन से ज्यादा प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से बढ़ता जाता है। और अगर हम देखें तो विषम से सम कार्बन की ओर जो वृद्धि है तीव्रता से होती है, मतलब अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो विषम से सम कार्बन के एल्केन की ओर जब आप चलोगे तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तीव्रता से बढ़ेगा, किंतु क्योंकि सम संख्या वाले एल्केन उच्च कोटि का संकुलन दर्शाते हैं, मतलब जिनमें सम संख्या में कार्बन होते हैं उनके मॉलिक्यूल बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से फिट होते हैं, किंतु सम से विषम कार्बन की ओर वृद्धि कम होती है। मतलब अगर आप इस तरह से देखें कि ये है प्रोपेन C3H8, मेल्टिंग पॉइंट है 85.3 केल्विन, है ना। फिर आप ब्यूटेन की तरफ गए, नॉर्मल ब्यूटेन, तो 3 से 4, विषम से सम की ओर, तो आप देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एकदम बड़ा है, 134.6 केल्विन। लेकिन 4 से 5 में गए, सम से विषम की ओर, तो आप देख रहे हैं कि कोई खास अंतर नहीं आया, 143.3, बहुत कम डिफरेंस आया। फिर 5 से 6 की तरफ गए तो फिर बढ़ गया। तो इस तरह सीढ़ी नुमा, और यहां तक अपवाद में देखोगे कि जो C3 है उसका जो गलनांक है वो C2 और C4 से भी कम हो गया, फिर इस तरह सीढ़ी नुमा दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए बच्चों कि जो सम कार्बन होते हैं उनमें एल्केन के दोनों टर्मिनल आप देखोगे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए इनमें जो पैकिंग की पॉसिबिलिटी है वो एक ही प्रकार की दिखती है, इस तरह से। लेकिन अब सोचो तो यहां पर ये सम संख्या में है, सम संख्या कार्बन, ठीक है, लेकिन अगर आप विषम कार्बन, जैसे आप चलते हैं कि 3 कार्बन या 5 कार्बन में, जैसे 3 का ही देखो आप, ऐसे रहेगा, तो एक पैकिंग की व्यवस्था तो ये है, और गलती से मान लो ऐसा पैक्ड हो गया तो एकदम से इनकी पैकिंग गड़बड़ हो जाएगी विषम में। ठीक है, तो अब ऐसा होने के कारण ही क्या होता है कि जो एल्केन के मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते तो हैं अणुभार बढ़ने से, लेकिन ये जो वृद्धि है आप देख रहे हैं विषम से सम की ओर तीव्रता से होती हुई दिखेगी आपको, कि ये 3 से एकदम 4 की तरफ गए तो देख रहे हैं आप एकदम बड़ा है, लेकिन 4 से 5 की तरफ गए तो कोई खास अंतर नहीं आया, फिर 5 से 6 की तरफ गए तो फिर बढ़ गया, फिर 6 से 7 की तरफ जाएंगे तो कोई खास वृद्धि नहीं होगी, फिर 7 से 8 की तरफ जाओगे तो एकदम बढ़ेगा। तो ऐसा ऐसा इसलिए है बच्चों, क्योंकि विषम कार्बन वाले जो एल्केन होते हैं
उनमें पैकिंग व्यवस्था में दो पॉसिबिलिटी हो जाती हैं, वो इस तरह से बिल्कुल सेम फेस में मिल जाएं या अपोजिट में, तब ऐसे में इनकी क्लोज पैकिंग की जो संकुलन है वो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन सम संख्या में संकुलन की व्यवस्था चाहे कैसे भी हो, वो इसी तरह पैक्ड होंगे, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, और यही कारण है कि इनके गलनांक जो है ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि गलनांक क्लोज पैकिंग पर डिपेंड करता है। अणु किस तरह से पैक्ड है अपनी ठोस अवस्था में उस पर, ठीक है। अगर हम समावयवी एल्केन की बात करें, तो उनमें जितनी ज्यादा शाखन होगा, ब्रांचिंग होगी, शाखाएं निकलेंगी, गलनांक घट जाते हैं, क्योंकि संकुलन सही नहीं होता। जैसे नॉर्मल पेंटेन 143.3 केल्विन है, लेकिन आइसो पेंटेन एकदम घट गया 113.1 केल्विन, क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग हो गई है। लेकिन अगर हम यहां देखें कि नियो पेंटेन में तो इससे भी कम हो जाना चाहिए था आइसो पेंटेन, क्योंकि इसमें तो और भी ज्यादा ब्रांचिंग है, लेकिन ये बहुत ही सिमेट्रिकल हो जाता है बच्चों, स्फेरिकली बिल्कुल गोल, जिससे इसका सरफेस एरिया काफी बढ़ जाता है, और यही कारण है कि ये एक उच्च कोटि का संकुलन दर्शाने लगता है, और अपवाद स्वरूप नियो पेंटेन का जो गलनांक है वो इन तीनों, इन दोनों से ज्यादा हो गया, 256 केल्विन इसमें आ जाता है। इनमें से किस, मतलब पांच आइसो पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, नियो पेंटेन, अगर ये दे रखे और पूछा गलनांक किसका ज्यादा है, तो वो है नियो पेंटेन का। ऐसे हेक्सेन में जाओगे, ठीक है, तो हेक्सेन में अगर आप देखोगे तो सबसे कम इस तरह से हो जाएगा ये आइसो हेक्सेन में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इससे ज्यादा जो है आप देखोगे नॉर्मल हेक्सेन में होगा इस तरह से, और इससे ज्यादा आपको दिखेगा आइसो या नियो हेक्सेन 5 और ये 6 इस तरह से। तो ये भी इनमें हेक्सेन में भी इस तरह का ऑर्डर दिखाई देता है। रीजन है नियो जो मो ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप, बहुत ही स्फेरिकली और सिमेट्रिकल होता है, जिसके कारण ये सरफेस एरिया काफी बढ़ जाता है और मॉलिक्यूल कम जगह पे ज्यादा से ज्यादा पैक्ड हो जाते हैं, जिसके कारण ऐसा दिखाई देता है। बात क्लियर है? तो ये है एल्केन के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है नियो पेंटेन के गलनांक को लेके। फिर आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिकुलर साइज पे, उसकी पोलराइजेशन पावर पे, मतलब पोलर नेचर पे, है ना। तो अगर मान लो सरफेस एरिया ज्यादा है मॉलिक्यूल एक दूसरे, इसकी पैकिंग पे डिपेंड नहीं करता, कि जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला बढ़ती जाएगी आप देखोगे मेल्टिंग पॉइंट की तरह, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट लगातार बढ़ते जाते हैं, और एक सजात से दूसरे सजात, मतलब एक कार्बन का बढ़ने से इनके बॉइलिंग पॉइंट में लगभग 20 से 30 डिग्री की वृद्धि हो जाती है, 110, फिर 184, फिर 230। तो आप देख रहे हैं कि काफी तेजी से इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से? तो ये है बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट लगातार घटेगा बच्चों। इसमें कोई ऑब्जेक्ट वो नहीं है कि न्यू पेंटेन का कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्लोज पैकिंग पे डिपेंड नहीं करेगा, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वो एक दूसरे से ज्यादा उलझ जाते हैं, और उलझ जाते हैं तो उनका वोलेटाइल नेचर, वाष्पन दर कम हो जाती है, और इस तरह से नियो पेंटेन, आइसो पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, इस तरह से आपको मैंने ये एक ऑर्डर लिख के विद गलना, मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट को व्यक्त कर दिया। तो यहां तक बात क्लियर है? तो ये थे एल्केन की कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, रासायनिक गुण, समझ गए ना। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे जो एल्केन है उनके रासायनिक गुण के बारे में। तो देखो बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि एल्केन ही ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो रासायनिक रूप से बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, मींस इनका जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है बहुत ज्यादा है, मींस बलगतिक स्थायित्व तो जिसको हम बोलते हैं, रासायनिक क्रिया के प्रति प्रतिरोधकता को बोला जाता है बच्चों, क्या? बलगतिक स्थायित्व। और एक ऊष्मागतिक स्थायित्व तो होता है ऊष्मा के प्रति स्थायित्व, तो ये रासायनिक रूप से तो कम मतलब क्रियाशील है, लेकिन ऊष्मीय रूप से देखोगे इनका थर्मोडाइनामिक स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब जरा से तापमान देते हैं आग लग जाए तुरंत जलने लगते हैं,
तो ये रासायनिक रूप से तो बहुत कम क्रियाशील है, लेकिन ऊष्मीय रूप से बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं और बहुत अच्छे एनर्जी के सोर्स हैं। तो आप जितने भी आप देखते हैं फ्यूल्स हैं, मतलब पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ठीक है, एलपीजी, सीएनजी, ये सब एल्केन है और बहुत ही बेस्ट एनर्जी के सोर्स हैं, क्योंकि इनकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है लगभग पॉजिटिव होती है या बहुत कम निगेटिव है, मीन्स इनमें एनर्जी स्टोर रहती है। और यही रीजन है कि ये जरा से ऊष्मागतिक रूप से जरा सा इन्हें विक्षोभ मिल जाए तो ये तुरंत जलने लगते हैं, बहुत जल्दी क्रिया करते हैं। तो हम यहाँ आते हैं कि एल्केन रासायनिक रूप से बहुत कम क्रियाशीलता दर्शाते हैं और सामान्य ताप पर विभिन्न अभिकर्मकों जैसे ऑक्सीकारकों, अपचायकों आदि के प्रति निष्क्रियता दर्शाते हैं। इसके अलावा ना तो इनमें, और भी बता दूं मैं, ना तो नाभिक स्नेही पे इन पे आक्रमण होता है, ना इलेक्ट्रॉन स्नेही पे इनमें विशेष कोई रिएक्शन होती है। मतलब ऑक्सीकारकों, अपचायकों, यहाँ पर और मैं यही लिख दूं, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है, नाभिक स्नेही, इस तरह से ऑक्सीकारक जो सामान्य ऑक्सीकारक है, अपचायक है, इनके प्रति ये निष्क्रियता दिखाते हैं एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी अभिकर्मक किसी कार्बनिक यौगिक पर जब आक्रमण करता है तो उसको चाहिए कि उस क्रियाकारक पर, अभिकारक पर कहीं ना कहीं रिएक्शन सेंटर हो, पोलर पार्ट हो, जहां पर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सके या दे सके। अब इनमें क्या है, एल्केन्स में, कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है या सीएच बॉन्ड जो है, ये टोटली अध्रुवीय गुण का होता है। सीसी तो टोटल बिल्कुल प्योर 100% अध्रुवीय है, लेकिन सीएच में बहुत कम पोलर नेचर है, इतना नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही को या नाभिक स्नेही को आकर्षित कर सके। और यही कारण है कि ये रासायनिक रूप से बहुत कम क्रियाशीलता दर्शाते हैं। लेकिन उच्च ताप पे रखे जाएं, प्रकाश की उपस्थिति में रखे जाएं, तब इनमें मुक्त मूलक प्रतिस्थापन और विघटन अभिक्रियाएं होती हैं। मतलब इनको अगर उच्च ताप पे रखा जाए, वायु की अनुपस्थिति में ऊष्मा दी जाए, प्रकाश दिया जाए, तब ये इनके हाइड्रोजन विस्थापित हो जाते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन द्वारा, हैलोजन से, नाइट्रो समूह से, सल्फोनिक समूह से, ठीक है, या फिर ये विघटित होकर छोटे एल्केन में, एल्कीन में बदल जाते हैं। तो ये केवल मुख्य रूप से जो इनकी रासायनिक क्रियाएं आपको दिखेंगी वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन या विघटन से होंगी, और उसके लिए उत्प्रेरक ताप या फिर प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर हम इनमें आए कि इनमें जो विभिन्न प्रकार के सीएच बॉन्ड होते हैं, उन बंधों की वियोजन ऊर्जा और उनकी प्रकृति किस तरह से होती है, इसी पर इनकी क्रियाशीलता निर्भर करती है बच्चों, कि उनके जो बंध हैं, सीएच बॉन्ड हैं, वो किस नेचर के हैं, उनकी वियोजन ऊर्जा कितनी है, इसी के अनुसार ये क्रियाशीलता दर्शाते हैं। अगर हम इनमें देखते हैं, देखो कोई भी हाइड्रोजन हटता है तो बनने वाला जो मुक्त मूलक है वो कितना स्थायी है, जितना ज्यादा स्थायी मुक्त मूलक बनेगा उससे एच उतने जल्दी हटके और वो फ्री रेडिकल में बदल देगा। यही रीजन है कि 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री तक बंध ऊर्जा का क्रम ये है कि सबसे ज्यादा जो बंध ऊर्जा सीएच है 1 डिग्री की है, उससे कम है 2 डिग्री की, और सबसे कम जो बंध ऊर्जा है सीएच की वो है 3 डिग्री में। तो इसका मतलब है कि जो ऊर्जा का क्रम है क्रियाशीलता उसके उल्टा होगी। तो 1 डिग्री से ज्यादा क्रियाशील हाइड्रोजन है 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा क्रियाशील है 3 डिग्री। तो इस तरह से मैं बता दूं कि जो मुक्त मूलक जितना ज्यादा स्थायी बनेगा उसको बनाने वाला हाइड्रोजन उतना रिएक्टिव होगा, और यही कारण है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये बहुत आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। और ये मैंने यहां मुक्त मूलकों का स्थायित्व तो भी लिख दिया कि 1 डिग्री से ज्यादा स्थायी है 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा स्थायी है 3 डिग्री मुक्त मूलक, और यही रीजन है कि ये बहुत आसानी से अपने 3 डिग्री के हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। अब हम इनमें जो कुछ इंपॉर्टेंट जो इनकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, हैलोजनीकरण मींस
एल्केन के हाइड्रोजन का जो प्रतिस्थापन है वो हेलोजन द्वारा होगा। हेलोजन मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, इस तरह के हेलोजन्स आएंगे हाइड्रोजन को हटा के और खुद ही इसमें जुड़ जाते हैं। और जो यौगिक बनते हैं इसमें उनको बोलते हैं हेलो एल्केन, जो कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो सकते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन केवल हटा सकता है हेलोजन से, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो सकते हैं या फिर पॉली सब्स्टिट्यूटेड हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है हेलोजन की एक्सिस में। ज्यादा हेलोजन अगर आप लोगे, एल्केन कम रखोगे, तो आप देखोगे मोनो हेलो एल्केन मुख्य उत्पाद बनेगा। और अगर आपने हेलोजन को ज्यादा कर दिया और एल्केन को कम रखा है तो फिर पॉली हेलोजन वाले यौगिक ज्यादा बनेंगे। यही मैंने यहां लिख दिया कि यदि एल्केन आधिक्य में हो तो मोनो हेलो एल्केन मुख्य उत्पाद होता है, और यदि हेलोजन अधिक होगा तो पॉली हेलो एल्केन मुख्य उत्पाद होता है। बात समझ गए ना कि जो ज्यादा है वही ज्यादा दिखेगा आपको परसेंट में, उत्पाद में, कि अगर एल्केन ज्यादा है तो एल्केन में कार्बन का हाइड्रोजन का रेशियो, मास रेशियो ज्यादा दिखेगा हेलोजन का। लेकिन अगर आपने हेलोजन ज्यादा कर दिया तो आप देखोगे कि उसमें हेलोजन ज्यादा दिखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हेलोजन ज्यादा होंगे, लाइट मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा वो हाइड्रोजन को हटा के खुद जुड़ते जाएंगे। तो इस तरह से यहां पर एक एग्जाम्पल से लिखा है कि CH4 अधिक में ले लिया मैंने, Cl2 ली, लाइट दी, तो CH3Cl मुख्य उत्पाद बना। क्यों? क्योंकि मिथेन इतना ज्यादा है कि सभी से क्लोरीन नहीं टकरा पा रहा है, इससे कुछ ही मॉलिक्यूल इस तरह से चेंज होंगे। अब मान लो हम CH को सीमित रखें और Cl2 को अधिक में लें, बढ़ाते जाएं लगातार, तो आप CH4 कम रखोगे और Cl2 ज्यादा, तो पहले एक हटेगा और Cl2 मिलेगा, तो अगला हाइड्रोजन हट जाएगा, और इस तरह से CH2Cl2, CHCl3, और फाइनली आपको मिल जाएगा CCl4 मुख्य उत्पाद। ये क्वेश्चन होता है बच्चों कि अगर हमें, ठीक है, CCl4 की अधिक लब्धि प्राप्त करनी है, अधिक उत्पाद बनाना है, तो बताएं किसको आधिक्य में लेना होगा। तो ध्यान रखें आप उत्पाद में देखें कौन आधिक्य में दिख रहा है। हैलोजन अधिक्य में दिख रहा है तो हैलोजन अधिक्य में रखें, कार्बन का परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है तो एल्केन अधिक्य में रखें, इस तरह से। ठीक इसी तरह से जैसे C2H6 है, अगर हम Cl2 आधिक्य में रख दें तो C2Cl6 कृत्रिम कपूर बोला जाता है, आर्टिफिशियल कैम्फर, ये ज्यादा बनेगा। अगर आपने इथेन अधिक्य में कर दिया तो मोनोक्लोरो या क्लोरो इथेन ज्यादा बन जाएगा। तो इस तरह से मोनोहेलो एल्केन की उच्च लब्धि के लिए एल्केन अधिक्य में लेते हैं। मैंने ये पॉइंट लिख दिया है, ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन। बात यहां तक क्लियर है, और आगे बढ़ते हैं। अब आती है क्रियाशीलता का क्रम। तो देखो बच्चों, अगर हैलोजन की बात की गई है तो सबसे फास्ट रिएक्शन करता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। आप देखोगे फ्लोरीन अंधेरे में भी रिएक्शन कर लेता है हैलोजन एल्केन से, इसको लाइट की उत्प्रेरक की जरूरत नहीं है, और इतनी फास्ट होती है कई बार कि टोटली HF बना देता है और कार्बन डस्ट बचती है। Cl2 से रिएक्शन करानी है तो हमें उत्प्रेरक की उपस्थिति लेनी होगी, लाइट की उपस्थिति लेनी होगी, उत्प्रेरक की कम ही आवश्यकता होती है। फिर भी जो है परोक्साइड लिए जाते हैं, ब्रोमिनेशन आयोडिनेशन कराना है तो इनमें तो उत्प्रेरक भी लगते हैं, ऊष्मा उच्च ताप भी दिया जाता है, तब जाके रिएक्शन हो पाती। अगर एल्केन के हाइड्रोजन की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था 1 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव है 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कि क्लोरीकरण कराया जाए तो इन हाइड्रोजन की 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन की क्रिया सापेक्ष क्रियाशीलता का अनुपात क्या है, क्रम क्या है। ब्रोमिनेशन कराया गया तो क्या है? तो देखो बच्चों, ये आपको याद करना ही होगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन का वेग क्लोरिनेशन या क्लोरीकरण के सापेक्ष में लिखा है। मतलब है कि अगर हम इसका रेट 1 डिग्री हाइड्रोजन के हटने का रेट इकाई मान लें, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो 2 डिग्री के हाइड्रोजन का रेट है वो इस 1 डिग्री की रिस्पेक्ट में 3.8 टाइम्स ज्यादा है, लगभग 4 गुना, और जो 3 डिग्री में देखें तो लगभग 5 गुना रेट होता है। मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन के हटने का रेट अगर 1 है तो 2 डिग्री का 3.8 है, तो सॉरी 2 डिग्री का और 3 डिग्री का है 5। तो ये किसमें है? क्लोरीकरण के सापेक्ष। ब्रोमीकरण में चले जाए तो ब्रोमीकरण में देखो 1 डिग्री से 2 डिग्री के प्रतिस्थापन का वेग कितना ज्यादा है, और 2 डिग्री से 3 डिग्री देखो आप 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में 3 डिग्री 1600 गुना ज्यादा है, मतलब फास्ट रिएक्शन होगी ब्रोमिनेशन के साथ। इस तरह ब्रोमीनीकरण क्लोरीकरण के सापेक्ष अधिक चयनात्मक है, मतलब समझ रहे हो?
चयनात्मक रिएक्शन मतलब होता है कि जब एक उत्पाद बहुत कम बने और एक बहुत ज्यादा बने तो ऐसे में रिएक्शन कहलाती है चयनात्मक। और अगर इसमें संरचनात्मक, ठीक है बच्चों, अगर लिखा है संरचनात्मक, ठीक है, समावयवी, समावयवी उत्पाद में चयनात्मकता दिखती है, दिखती है, तो इसे बोला जाता है रीजियो सेलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं? रीजियो सेलेक्टिविटी, मतलब रीजियोमर्स, संरचनात्मक समावयवियों को बोलते हैं। तो अगर दो समावयवी बन रहे हैं, एक ज्यादा और एक कम बन रहा है, तो हम इन्हें रिएक्शन को बोलेंगे रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। और अगर इसमें त्रिबिंब समावयवी, ध्यान से देखें कि अगर त्रिबिंब समावयवी में चयनात्मकता दिखती है, सेलेक्टिविटी, ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। कि एक सिस बन रहा है, एक ट्रांस बन रहा है, सिस ज्यादा बन रहा है या ट्रांस ज्यादा बन रहा है, तो ऐसे में रिएक्शन फिर कहलाती है स्टीरियो सेलेक्टिव। अगर त्रिबिंब समावयवी भी चयनात्मक रूप से बन रहे हैं और संरचनात्मक समावयवी भी चयनात्मक रूप से बन रहे हैं, तो इसको बोला गया है रीजियो सेलेक्टिव। जैसे मान लो 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन बन रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। इसमें मान लो 2 क्लोरोप्रोपेन ज्यादा बन गया, तो हम कहेंगे रिएक्शन रीजियो सेलेक्टिव हो गई। लेकिन मान लो 2 समावयवी बन रहे हैं, प्रकाशिक समावयवी, डी और एल, लेकिन डी ज्यादा बन रहा है, एल कम बन रहा है, तब ऐसे में हम रिएक्शन को बोलेंगे स्टीरियो सेलेक्टिव। या किसी रिएक्शन में सिस ज्यादा ट्रांस कम या ट्रांस ज्यादा सिस कम बन रहा है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव है। और एक होती स्टीरियो स्पेसिफिक, कि जैसा रिएक्टेंट लिया जाए उसी के अनुसार उत्पाद बने, तो वो फिर कहलाती है बच्चों स्टीरियो स्पेसिफिक। मतलब सिस एल्कीन ले तो अलग उत्पाद बने, ट्रांस एल्कीन ले तो अलग उत्पाद बने, तो हम उनको बोलते हैं फिर कौन सी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक। ये आप एल्कीन में देखोगे कि एल्कीन पर जब ट्रांस एडिशन होता है तो अलग उत्पाद बनता है, सिस एडिशन होता है एल्कीन में तो अलग उत्पाद बनता है, तो वो स्टीरियो सेलेक्टिव ना होकर स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। अभी हमें यहां पर केवल रीजियो सेलेक्टिविटी से ही मतलब है। फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रतिस्थापन में बने उत्पाद के मोल निकालने होते हैं और हमें बताना होता है कि रिएक्शन में रीजियो सेलेक्टिव है या नहीं। तो देखो ये फॉर्मूला है तुल्य हाइड्रोजन समूह के हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। आपको एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन सेट होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन सेट, ठीक है, इसमें देखना है आपको कितने हाइड्रोजन है, इनटू हाइड्रोजन की हैलोजन के प्रति सक्रियता, वो रिएक्टिविटी कि क्लोरीनेशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो आपको देखना है कि 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन के सेट में कुल कितने हाइड्रोजन है और उसकी रिएक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर दें। अगर क्लोरीनेशन है तो 1 से कर देंगे। ऐसे आप देखोगे 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन के जो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन सेट है उसमें कितने हाइड्रोजन है, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3.8 का। ऐसे 3 डिग्री के हाइड्रोजन देखोगे इक्विवेलेंट सेट में कितने हैं और उसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे। पहले यहां पे मैंने लिख दिया है तुल्य हाइड्रोजन सेट, तुल्य हाइड्रोजन समुच्चय, इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट हाइड्रोजन सेट, ठीक है, कि ये क्या कहलाएगा। तो देखो बच्चों किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन परमाणुओं का समूह जिसके रासायनिक गुण बिल्कुल समान होते हैं उसे बोलते हैं तुल्य हाइड्रोजन सेट। मींस आपको ये देखना है कि जिस कार्बन में हाइड्रोजन जुड़े हैं उसके दोनों तरफ के एडजेसेंट एटम बिल्कुल एक से हैं। कि मैं ये कहूं कि ये लिखा है CH3 और ये लिखा है CH2 और ये लिखा है CH3, तो यहां CH3 यहां CH3 बिल्कुल सेम है, तो ये जो हाइड्रोजन है CH2 ये अपने आप में एक सेट होगा और इसमें 2 हाइड्रोजन तुल्य सेट में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि ऐसा कोई भी ग्रुप हाइड्रोजन युक्त जिसके हाइड्रोजन बिल्कुल एक से है, मतलब अगर हम उनमें से किसी भी हाइड्रोजन को हटा दें तो एक ही उत्पाद बने, एक ही IUPAC नियम आए,
तो आप उसे बोलेंगे तुल्य हाइड्रोजन सेट। जैसे CH4 में चारों हाइड्रोजन एक ही नेचर के हैं, तो एक सेट तुल्य हाइड्रोजन का है, चार तुल्य हाइड्रोजन। CH3 में से आप किसी भी एक एच को हटा के क्लोराइड जोड़ दो, एथाइल क्लोराइड ही बनेगा, क्लोरोइथेन। तो एक सेट है इसमें तुल्य हाइड्रोजन का और छह तुल्य हाइड्रोजन। इसमें चले गए तो देखो आप, एक सेट तो ये हो गया बच्चों इसमें, ठीक है, कि तुल्य हाइड्रोजन का सेट ये है CH3, तो एक सेट तो ये है और एक सेट ये है, मतलब ये वाला सेट और ये वाला एक सा है, क्योंकि इस CH3 से भी CH2 जुड़ा है, इस तरफ भी देख लो, इस CH3 से भी CH2 जुड़ा है, एक सेट। और दूसरा सेट ये हो गया क्योंकि ये दोनों तरफ से CH3 से जुड़ा है, तो इसमें दो सेट है हाइड्रोजन के तुल्य हाइड्रोजन, और कुल मिला के एक सेट में छह है और एक सेट में दो है, मतलब ये वाले जो छह हैं ये 1 डिग्री वाले हैं और ये क्या है बच्चों 2 डिग्री वाले, है ना। इसी तरह से फिर हम और भी आगे देखेंगे, यहां पर एक एग्जांपल समझते हैं, ये है प्रोपेन। अब इसका क्लोरीनेशन किया आपने तो दो उत्पाद बने, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। अब आता है कि इन दोनों के परसेंटेज निकालने या आप इनके मोल्स निकालने, तो एक के मोल निकालोगे तो मैंने लिखा है 6 × 1। क्यों किया है बच्चों, क्योंकि इसमें 1 डिग्री वाले जो दो हाइड्रोजन है ये वाले, ये दो सेट एक ही एक से नेचर के, तो दो सेट भले हैं लेकिन सेट तो एक ही कहलाएगा, तो ये एक इक्विवेलेंट सेट एक है, एक इक्विवेलेंट, ठीक है, एक तुल्य सेट, तो एक तुल्य सेट है ये, और इसमें टोटल हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 6, तीन इसमें तो 6 हो गए। और क्लोरीनेशन के प्रति, क्लोरीकरण के प्रति रिएक्टिविटी कितनी है, 1, तो हम लिखेंगे 6 × 1, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तुल्य हाइड्रोजन समूह में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या गुणा हैलोजन की, हाइड्रोजन की हैलोजन के प्रति सक्रियता, तो 1 डिग्री है, तो हम हाइड्रोजन कुल मिला के 6 है इस तुल्य सेट में, तो हो गए 6 मोल। बी के निकालें तो ये है 2 डिग्री वाला एक सेट, ये वाला जो है बीच वाला, है ना, तो इसमें दो हाइड्रोजन है एक ही सेट में, तो दो, और क्लोरीकरण के प्रति द्वितीय 2 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी है 3.8, तो ये आ गया 7.6। तो इसमें जो बी है वो मुख्य उत्पाद है और ये गौण उत्पाद है ए, ये अल्प मात्रा में बनेगा और ये आधिक्य में बनेगा, ठीक है। अब इसमें चले जाओ, देखो अगर आप इसमें देखोगे कि इसमें आपको कितने प्रकार के हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो देखो ये सेट अपने आप में अलग है, ये वाला बनाया मैंने, क्यों, क्योंकि ये CH3 CH2 से जुड़ा है, जबकि ये CH3 दोनों देखो ये वाले CH से जुड़े हैं, इसलिए अपने आप में दोनों CH3 का एक तुल्य सेट होगा, एक ये CH का सेट हो गया, एक ये CH2 का हो गया और एक ये CH3, कुल मिला के 4 प्रकार के तुल्य हाइड्रोजन सेट है इसमें। अब हम एक एक करके इनके 4 उत्पाद ऐसे बनेंगे, हम पहले वाले कार्बन में यहां जोड़ दें तो ये बन गया, दूसरे वाले कार्बन में जोड़ दें तो बी बन गया, इसी तरह से तीसरे वाले कार्बन में आप गए तो ये बन गया, और बिल्कुल टर्मिनल में जोड़ दिया ये, तो मतलब कुल मिला के इसके 4 जो है आपको उत्पाद दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि कितने संरचनात्मक समावयवी भी बन गए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तो संरचनात्मक समावयवी भी जो है बच्चों वो है आपके पास 4, और अगर कुल समावयवी भी पूछ ले तो देखो इनमें अगर आप देखोगे कि कुल कितने हैं, तो यहां पर 2 कार्बन कायरल भी हैं, ये क्या कहलाते हैं, कायरल कार्बन। अगर आप आगे पढ़ोगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कि अगर कायरल कार्बन आ गया कंपाउंड में तो उनका एक मिरर इमेज भी पॉसिबल है, तो 2 इसमें क्या होंगे बच्चों, 2 समावयवी भी जो है समावयवी भी, ठीक है, प्रतिबिंब रूप में है, प्रतिबिंब रूप में, मतलब इन 2 के, मतलब एक इस ये और एक इसका प्रतिबिंब रूप, एक ये और एक इसका प्रतिबिंब रूप, तो 4 तो ये खुद हो गए, 2 प्रतिबिंब रूप बन गए, तो कुल मिला के कुल समावयवी भी जो है वो कितने हो गए, 6। 4 संरचनात्मक दिख रहे हैं, उनमें से 2 संरचनात्मक समावयवी भी प्रकाशिक समावयवता भी दर्शा रहे हैं, इसलिए उनके क्या हो जाएंगे, 2 प्रतिबिंब रूप भी हो जाएंगे। तो अगर वो लिखता है ब्रैकेट में कि विद इंक्लूड स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, तो वो होंगे 6, केवल संरचनात्मक रूप से पूछे तो वो हो गए 4, ठीक है। तो इस तरह से 4 प्रकार के तुल्य हाइड्रोजन थे, तो 4 प्रकार के जो है हमें मोनो प्रतिस्थापी मिल गए, तो एक मोल निकाल दिए मैंने, एक हो गए 3 तुल्य हाइड्रोजन है, एक रिएक्टिविटी है, तो 3 हो गए। बी जो है, बी वाले में आप देख रहे हैं कि 2 डिग्री है, 3.8, 7.6 आ गया,
सी देखें तो आप सी वाले में चले जाओ, सी किसको दिया है मैंने ये वाला, तो एक ही है 3 डिग्री और उसकी रिएक्टिविटी 1 है तो 5 मोल, और डी है 6, ये वाले CH3 CH3 ये वाले, तो उसके मिल गए हमें 6, तो सबसे मेजर हुआ बी। इस तरह से ठीक इसी तरह से अगर आप इसमें चले जाएं Br2 क्लोरीनेशन देखें आप, मैं यहां पर एक सिलेक्टिविटी लिखी है, ये सिलेक्टिविटी आप देखेंगे कि अगर हम इस मॉलिक्यूल का ब्रोमिनेशन कराएं तो ये वाला जो 3 डिग्री वाला है 99% बन रहा है और ये 1% बन रहा है। दो ही उत्पाद संभव है, ये तीन जो सेट है, तीन और CH3 बिल्कुल तुल्य हाइड्रोजन है, मतलब इसमें दो सेट है, दो सेट तुल्य हाइड्रोजन, ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें नौ तो एक से हो गए और ये अपने आप में अलग हो गए। तो ब्रोमिनेशन में इतना ज्यादा सिलेक्टिविटी दिख रही है बच्चों कि ब्रोमिनेशन बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव है, मींस एक उत्पाद बहुत ज्यादा और एक बहुत कम। क्लोरीनेशन कराएं तो ये 37 और ये 63% बन रहा है, भले ये 3 डिग्री था लेकिन क्योंकि तुल्य हाइड्रोजन इस सेट में ज्यादा है इसलिए ये, तो ये कम सिलेक्टिव है। आयोडीनेशन जो है बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है और रिवर्सिबल नेचर की होती है, इसलिए इसको रिएक्शन को कराने के लिए HNO3 HIO3 HGO जैसे ऑक्सीडाइजर यूज किए जाते हैं ताकि ये आयोडीन को हटा दें, मतलब HI को हटा दें, मतलब यहां पर अगर हम ये कहें CH4 और HI तो ये रिएक्शन CH3I और प्लस क्या बन जाएगा HI, लेकिन अगर हम यहां पर HNO3 यूज करेंगे ऑक्सीजन होगा तो वो HI को H2 और I2 बदल देता है जिससे रिएक्शन रिवर्स होने से रुक जाता है। अभिक्रिया की मैकेनिज्म देखें तो ये तीन पदों में चलती है बच्चों, श्रृंखला प्रारंभ पद, ये प्रकाश या ऊष्मा शोषी होता है और इसमें ही क्लोरीन लाइट को एब्जॉर्ब करके या हैलोजन लाइट को एब्जॉर्ब करके फ्री रेडिकल में बदलते हैं, ये रिएक्शन वेग निर्धारक नहीं है। दूसरा है श्रृंखला संचरण पद, ये श्रृंखलाबद्ध चलती है और यही स्लो स्टेप है क्योंकि यहां पर CH का वियोजन होता है, क्योंकि CH की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इसलिए ये स्लो रेट है देन इसके पहले वाले के, क्योंकि हैलोजन की उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी नहीं है जितनी CH की, इसलिए यहां पर RDS स्टेप ये होता है कि CH3 से H निकल गया और ये इस तरह से फ्री रेडिकल की तरह ये चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इसी में आ गया तो इस तरह से ये बन गया फ्री रेडिकल। फिर ये मिथाइल फ्री रेडिकल अगले क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, CH3Cl बनेगा, फिर रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल अगले हाइड्रोजन को निकाल देगा CH3Cl से, तो फिर एक और रेडिकल बन गया CH2Cl और HCl, फिर ये रेडिकल क्लोरीन एब्जॉर्ब करेगा और CH2Cl2 बनेगा और इस तरह से क्लोरीन, और इस तरह से एक एक करके धीरे धीरे सारे H हट जाएंगे बच्चों और फाइनली बन जाएगा CCl4, और फिर भी एक रेडिकल बन जाएगा जो अगले CH4 को फिर CCl4 में चेंज करना शुरू कर देगा। तो ये रिएक्शन फिर बिना लाइट की उपस्थिति में श्रृंखलाबद्ध चलती रहती है और एक फोटोन से लाखों हम कहें CH4 CCl4 में बदल जाते हैं, इसलिए इसकी क्वांटम लब्धि बहुत ज्यादा हो जाती है 10^5 तक। फिर आता है श्रृंखला समापन पद, तो अगर क्लोरीन का सप्लाई बंद कर दी जाए, एल्केन की सप्लाई बंद कर दी जाए तो फिर ये मुक्त मूलक आपस में ही जुड़ के और इस तरह से एक न्यूट्रल ग्रुप में चेंज हो जाते हैं, मतलब दो मिथाइल रेडिकल मिल जाए या एल्काइल रेडिकल जुड़ जाए, एल्काइल और हैलोजन जुड़ जाए या हैलोजन हैलोजन जुड़ जाए, तो श्रृंखला समाप्त हो जाती है। और समाप्त करने के लिए और भी टर्मिनेटर यूज किए जाते हैं, O2 का भी यूज किया जाता है श्रृंखला समापन में, इसके अलावा SO2 Cl2 टैल परऑक्साइड, इनका यूज प्रारंभ श्रृंखला प्रारंभ में उत्प्रेरक की तरह किया जाता है। तो ये था हमारा हैलोजनीकरण के बारे में, बाकी और कितने ये जो है इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ये एल्केन है तो बताएं कितने मोनो हैलोजनेटेड हैं, जैसे नियोपेंटेन दे दें तो कितने मोनो हैलोजनेटेड हैं, ठीक है, आइसोपेंटेन तो मैंने बता दिया, नॉर्मल हेक्सेन दे दें तो कितने प्रतिस्थापी है, तो ये हम हैलो एल्केन में और भी डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम अगले टर्म में डिस्कस करेंगे बच्चों।